8.1 today. Question number 3. Question number 3 says that show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. सवाल कहता है एक quadrilateral है, उसके diagonal जो है वो bisect करते हैं एक दूसरे को right angle पे, हमने prove करना है ये एक rhombus है, ठीक है? तो हम एक quadrilateral बनाते हैं यहाँ पे, इसका हम नाम जो है वो खुद देते हैं, ठीक है? क्योंकि नाम वहाँ पे given नहीं है, let it be A, B, C and D, यहाँ से diagonal डालते हैं, ठीक है? सवाल कहता है एक quadrilateral है, सवाल वहाँ से कहता है quadrilateral है, ठीक है? सवाल कहता है इसके डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे, यहां पे जो जाविया बनेगा वो 90 डिग्री का जाविया बनेगा, ठीक है? इट इज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमने प्रूव करना है रोम्बस है. रोम्बस के दो फीचर्स होते हैं. रोम्बस बेसिकली एक पैरेललोग्राम ही होता है. पैरेललोग्राम क्या हो गया? ए पैरेललोग्राम इज अ क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर. लेकिन जो रोम्बस है, रोम्बस एक स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम. इसमें एक और एड पॉइंट ये है कि इसका हर कोई साइड जो है वो बराबर होता है. नाउ यू विल टेल मी सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस? स्क्वायर जो है उसके भी चारों साइड बराबर है, लेकिन उसका हर कोई जाविया जो, हर कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है? वही डिफरेंस है. इसका जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें अंदर से एक फीचर ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, और इसका भी हर कोई साइड जो है वो इक्वल होता है. तो लेकिन जो डायगोनल्स का मामला है, इसके डायगोनल्स वहीं से गिवन है, वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे. मैंने प्रूव करना है कि इसका हर कोई साइड बराबर है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन. गिवन क्या है? या गिवन से पहले हम लेट करते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि नाम इसका नहीं है वहां से. मैं लिखूंगा लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए क्वाड्रिलेटरल विद AC, with AC and BD, with AC and BD, as it is diagonal, as it is diagonal. AC and AC and BD है, sorry, AC and BD, as it is diagonal. ये इसके diagonal है, ठीक है? उसके बाद हम लिखेंगे given. हमें given क्या है? जहाँ पे intersect करते हैं, let it be O. ठीक है? तो मुझे वो ये गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन? इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे का राइट एंगल पे. इसका मतलब ये कुछ तो बाईसेक्ट भी करो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, देयरफॉर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी. गिवन है और यहां पे जो एंगल से ये सारे 90, ठीक है? मैं लिखूंगा एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी. ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90. ये सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना? ये सारे 90, ये गिवन है. तो मुझे टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव मुझे करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस. सिंपल. अब हमारा हो जाएगा स्टार्ट प्रूफ. प्रूफ में देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे. मुझे क्या करने से सारे साइड बराबर, तो ये रोम्बस को तो खुद प्रूफ हो जाएगा. हम एक काम करेंगे, हम इस ट्रायंगल को लेंगे, एक इस वाले ट्रायंगल को इसको हाईलाइट करता हूं, सी ओ डी इस वाले ट्रायंगल को, और इसके अपोजिट वाला ट्रायंगल है ना ये वाला ए बी ओ, यानी मैं निशान लाता हूं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. फॉर एग्जांपल ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, मैं अभी करूंगा कैसे हो जाएंगे. जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट के बराबर सीधी सीधी कहता है कि उसकी कोरेस्पोंडिंग फिर ये और ये बराबर हो जाएगा. गाइस फिर मैं इन दो ट्रायंगल्स को लूंगा. चलो मैं पहले ऑन दो इन ट्रायंगल्स को लेता हूं. फ्रॉम ट्रायंगल From triangle COD, COD, and triangle AO, ABO, ABO, come away. बोलो इसमें कौन क्या करने के लिए क्या क्या चीज इक्वल है? देखिए आप CO, CO is equal to AO. वजह given. ये तो given है ना? ये diagonal जो है दूसरे को bisect करते हैं. तो ये तो given है. मैं कह रहा हूँ ये वाला बराबर है. ठीक है? ये वाला और ये वाला भी बराबर है. बराबर. हाँ. डी ओ
ओबी, ये भी गिवन है, ठीक है, हो गया ये। और कोई साइड बराबर है इन दो ट्रायंगल्स में? नहीं। आप पता है क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। हालांकि ये दो तरीकों से इक्वल है, एक ये 90-90 भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है सब वहीं से कहता है डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो इसका ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट है, देखो ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, ये लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रही है। हम लिखेंगे एंगल एंगल सीओडी सीओडी इज इक्वल टू एंगल BOA या AOB, AOB रीजन वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर साइड एंगल्स एंड साइड के तहत ये कौन कनेक्ट हो गया आपस में, देयरफॉर ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल मैं बताऊंगा क्यों, ये देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया थ्रू व्हिच वी कैन शो अ पर्टिकुलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्रायंगल। बहुत सारे क्राइटेरियाज है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल है, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है, राइट RHS कॉन्ग्रुएंस रूल है, लेकिन यहां पे मैंने यही वाला क्राइटेरिया क्यों बोला, इसके तहत एक कॉन्ग्रुएंस हो गया। देखो यहां पे साइड, यहां पे मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है, इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल बराबर है, देयरफॉर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के तहत आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। क्लियर हो गया इतना? लेकिन मकसद क्या था मेरा ये कॉन्ग्रुएंट करने का? अब मैं कह सकता हूं जब मेरा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर बाय सीडी सीडी एबी विल बी इक्वल टू सीडी, हो गए मुझे दो साइड्स पर, देयरफॉर देयरफॉर मैं कह सकता हूं एबी इज इक्वल टू सीडी बाय सीडी सीडी By CPCD. CPCD कहता है अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फिर इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इस ट्रायंगल में ये वाला है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तब ये साइड और ये साइड बराबर हो गया, मुझे दो अपोजिट इक्वल। अब मैं एक काम करता हूं, इतना हो गया, अब मैं एक काम करता हूं, इस फॉर्मूले में हम लिखते हैं, आप मैं लेता हूं आप इन दो ट्रायंगल्स, इन दो ट्रायंगल्स, या उससे पहले हम एक चीज करते हैं, मैंने इसको और इसको लिया, ये वाला साइड सीपीसीटी के अंदर हो गया इक्वल। अब मैं इन दो को लेता हूं, ये ट्रायंगल और इसका अपोजिट एंगल, इनको मैं सिमिलरली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूं, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तब ये साइड और ये साइड बराबर होगा, लेकिन उनको मैं नहीं लूंगा, मैं लूंगा अब सिमिलरली इसी तरीके से ये इसका इसके बराबर होगा, क्योंकि जब जैसे मैंने ये किया वैसे वो भी होगा, वहां पे आप लेने की जरूरत नहीं है। मैं लिखूंगा सिमिलरली 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 मैं बोलूंगा BC जो है वो बराबर होगा AD, AD, ठीक है ना। इस तरीके से सुंदर जैसे मैंने ये दो दी, ऐसे मुझे अब कौन कौन लेना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मैं कुछ नहीं कहूँ, ये वाला और ये वाला, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कुछ भी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ AD will be equal to BC। मैंने सिमिलर लिखा इनको खुद ही समझ आ जाएगा, जिस तरीके से ये किया है इस तरीके से यहाँ पे ये सुंदर निकल जाएगा। अब लेकिन एक मसला है, मुझे ये निकला इसके बराबर, ये निकला इसके बराबर, अपोजिट साइड मुझे इक्वल आ गए, लेकिन मुझे चारों बराबर आने चाहिए। अब मुझे नहीं ना पता कि ये इसके बराबर है, मुझे ये हो गया ये इसके बराबर है, ये निकला मुझे इसके अपोजिट आपस में इक्वल आ गए, लेकिन मुझे चारों बराबर करके देने, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं लूंगा आप इन दो ट्रायंगल्स को, ये और ये, ठीक है ना, जब ये कॉन्ग्रुएंट में प्रूव करूंगा फिर ये साइड इसके बराबर होगा, जब ये इसके बराबर होगा फिर सारे साइड आपस में इक्वल। अब मैं लिखूंगा नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ये बोलो COD and triangle BOC come away, yeah, करो इनको कॉन्ग्रुएंट कर दे से शाबाश। इसमें देखिए आप एक साइड कॉमन है, OC इनका कॉमन है, मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया और इसके साइड में जो है बगल में, तो OC is equal to OC वजह कॉमन, वेरी गुड, हो गया एक साइड बराबर, ये वाला ये और ये बराबर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, OD is equal to BO is equal to OD, नहीं OD ये वाला OD is equal to BO, ये given, ये क्या है given है, और इनमें एंगल कोई बराबर है? देखिए एक तो इनमें ये वाला कॉमन साइड है, ये इसका भी है, इधर से इस वाले का भी है, ये और ये बराबर है ना।
आपको ये एंगल, हाँ ये और ये 90 है, दोनों वेरी गुड. एंगल बी ओ या सी ओ डी, सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, सी ओ डी इसको लिखेंगे ईच 90 डिग्री, इनमें से जो हर कोई है 90 डिग्री, ये गिवन है. देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ डी, सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ डी बाय क्या निकला किसके तहत, एक तो ये बराबर निकला, ये बराबर, ये भी वही साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. तो जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब सीपी सीपी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, फिर ये और ये बराबर होगा. देयरफॉर फिर हम कह सकते हैं सी डी इज इक्वल टू बी सी. मेरी बात समझ में आ गई, आप समझे मेरी बात. मैंने यहाँ पे बी सी को किसके बराबर किया है, ए डी के बराबर. अब यहाँ बी सी निकला सी डी के बराबर, इसका मतलब है बी सी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है ना. तो इसका मतलब अब चारों साइड आपस में बराबर, यहाँ पे क्लियर हो गया. यस सर. देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी is equal to AD, therefore ABCD is a rhombus. Is that? Rhombus. Is a rhombus. क्योंकि चारों साइड जब आपसे बराबर हो गए, मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूँ. सबसे पहले मैंने ये दो ट्रायंगल लिए तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट निकला, तो ये और ये पार्ट बराबर होगा. फिर ये दो ट्रायंगल लिए तो ये और ये बराबर होगा, अपोजिट साइड तो हो गए. फिर मैंने ये और ये जब लिया तो ये और ये आपसे बराबर हो गए, इसका मतलब चारों साइड आपस में बराबर है. जब चारों साइड बराबर है तो रोमबस है, क्योंकि रोमबस के चारों साइड आपस में बराबर. So this is all about discussion.